Whenever there is relative motion between coil and magnet, induced current produced in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. Okay? कि करंट तभी फ्लो होगा या तभी तक फ्लो होगा जब तक ये जो मैग्नेट है वो क्वाइल के पास मोशन में रहे। अब मोशन में रहने से क्या हो रहा है? मोशन में रहने से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या था कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द क्वाइल, था कि नहीं? क्या बताया था मैं कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, बताया था ना? यस सर। ये phi1 phi2 क्या है? phi1 है इनिशियल फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ लाइन, और जो phi2 है वो आफ्टर टाइम टी। ओके, तो phi1 है तुम्हारा इनिशियल फ्लक्स, phi2 है फ्लक्स आफ्टर टाइम टी। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इन द क्वाइल उसी ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होगा, दैट इज ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। तो ई इक्वल टू क्या था? माइनस के और के इंटू फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी था। ओके, के यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। ओके, के का वैल्यू माइनस वन होगा। ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है लेंज लॉ को। लेंज ने क्या बताया था कि इंड्यूज ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होगा ना, उसी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन से साइन से? माइनस साइन से। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जब ये ईएमएफ जनरेट होगा ना, तो ये ईएमएफ अगर मैग्नेट पास आ रहा था तो मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा, अगर मैग्नेट दूर जा रहा था तो मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगा। समझ में आया? और ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा जब हो रहा है ना, तभी तक ईएमएफ जनरेट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ओके, अब इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहां पर एन लग जाएगा। ओके, माइनस एन फाइ टू अपॉन फाइव वन, एंड इफ फाइव टू माइनस फाइव वन को अगर मैं डी फाइव से रिप्रेजेंट करूं, डी फाइव यानी जो डी टर्म होता है ना, दैट इज स्मॉल चेंज के लिए। तो स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाइव हुआ और स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी हो गया, तो ई एम एफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला याद रखना, एंड फॉर द एन नंबर ऑफ टर्न माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये भी फॉर्मूला याद रखना। ओके, ये सारा फॉर्मूला मैं उस दिन लिखवा दिया था, अभी फिर से नोट डाउन कर लो। हो गया। फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई क्या है? फाई है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है ई इंटू ए, सॉरी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी इंटू ए। तो फाई वन इक्वल टू
b1 into a or phi 2 equal to b2 into a. तो ये वाले फॉर्मूला में अगर पुट कर दोगे तो e का वैल्यू हो जाएगा माइनस n b2 माइनस b1 अपॉन t इंटू a. ये सारे फॉर्मूले में कोई डाउट है? सभी फॉर्मूला सेम है? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ये फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्म गिवन है और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला, ईएमएफ के लिए ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है. एन है यहां पर नंबर ऑफ टर्म, कहीं पे अगर नंबर ऑफ टर्म वन है तो एन का वैल्यू वन ही कर देना. ओके चलो, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू माइनस एन फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी और E इक्वल टू ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन बी टू माइनस बी वन इंटू ए बाई टी. चलो क्वेश्चन है, अ क्वाइल विथ एवरेज डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर. एक क्वाइल है, क्वाइल का जो डायमीटर है दैट इज गिवन एज डी इक्वल टू 0.02 मीटर. देखो न्यूमेरिकल समझोगे ना तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एक क्वाइल है आप डायमीटर 0.02 मीटर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 6000 टेस्ला. यानी इधर जो मैग्नेट है ना एम एस, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है 6000 टेस्ला. ये पी वन हो गया. ओके, इफ द इंड्यूज ईएमएफ इज 11 वोल्ट, यानी इंड्यूज ईएमएफ भी दे दिया है, वो है तुम्हारा 11 वोल्ट. When the magnetic field changes to 1000 टेस्ला, कब ये हुआ? जब B2 का वैल्यू हो गया 1000 टेस्ला. यानी मैग्नेट मोशन में है, जब मैग्नेटिक फील्ड 6000 टेस्ला से 1000 टेस्ला हो गया तो EMF कितना जनरेट हुआ? 11 वोल्ट. ये क्वाइल का डायमीटर है 0.02 मीटर. फाइंड द नंबर ऑफ टर्न. बना लोगे? E इक्वल टू माइनस एन बी टू माइनस बी वन अपॉन टी इंटू ए. टाइम का वैल्यू गिवन है 4 सेकेंड. देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इससे जो लिंक है ना वो चेंज हो रहा है 6000 टेस्ला टू 1000 टेस्ला. यानी बी वन का वैल्यू 6000 ले लो, बी टू का वैल्यू 1000 ले लो. क्रॉस सेक्शन एरिया ए तुम्हारा फिक्स है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ईएमएफ कितना जनरेट हुआ? 11 वोल्ट. टाइम है तुम्हारा 4 सेकेंड. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल, बन जाएगा कि नहीं वेदांश? चलो बनाओ. देखो ई का वैल्यू है, पहले तो एरिया निकाल लो. एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. डायमीटर गिवन है 0.02 मीटर, तो व्हाट विल बी रेडियस, कितना होगा? 0.01 मीटर. चलो तो पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, ये एरिया हो गया. चलो ई का वैल्यू तुम्हारा कितना पुट करना है? 11
का वैल्यू तुम्हारा है 1000, B1 का वैल्यू 6000 अपॉन टाइम का वैल्यू है 4 सेकेंड इंटू 3.14 और आर स्क्वायर यानी 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.0001 होगा ना इतना। Yes, sir. तुमको n का वैल्यू फाइंड करना है आपको। चलो बनाओ ये हो जाएगा 44 इक्वल टू माइनस n और इधर हो जाएगा माइनस 5000 ये हो गया तुम्हारा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10^-4 और ये हो जाएगा 5×10^3 ऐसा कर दो तो माइनस माइनस हो गया प्लस इधर हो गया तुम्हारा 44 इक्वल टू n इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10^-1 क्योंकि 10^+3 और 10^-4 मिलके हो गया 10^-1 तो ये हो जाएगा n इक्वल टू इधर तुम्हारा 10^-1 यानी ये अपॉन में 10 होगा तो ऊपर हो गया 440 अपॉन 5×3.14 आंसर आ रहा है कितना 110 कैसे 440 अपॉन 5 यहां पर जो आंसर है बुक में है वो है 28 कैसे आएगा 28 1000 टेस्ट अपना कैलकुलेशन तो सही है B1 B2 1000 कितना आ रहा है नंबर ऑफ टर्न इसको डिवाइड करो किस कहां गलत हुआ है अपना सारा वैल्यू सही है 6000 है 1000 है माइनस किए 5000 आ गया 11 है 4 सेकेंड है 0.01 स्क्वायर चलो देख लेना ये टोटल जो डिवाइड करने के बाद ना एन का वैल्यू 28 आ रहा है 28 टर्म गलत भी हो सकता है बुक में ऐसा नहीं है ठीक है तो ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट नियर द क्वाइल यानी जब तक क्वाइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तभी तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा नहीं तो नहीं होगा ओके चलो और जो करंट का डायरेक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा सच दैट इट अपोजेस एवरी कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस यानी जो क्वाइल में करंट है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि जो क्वाइल है उस कॉज का अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है कॉज का यानी मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगा समझ में आया इतना तो चलो एक क्वेश्चन देखो कैसा होगा याद रखना जो करंट प्रोड्यूस होता है ना हमेशा प्लस से माइनस होता है प्लस से
माइनस, यानी करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर वाला प्लेट प्लस चार्ज और नीचे वाला माइनस चार्ज, ऐसा हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट सर्किट है तब तो करंट फ्लो होगा। सपोज ये डिसकनेक्टेड है और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए एंड बी, तो करंट का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे और जहां से करंट निकल रहा था वो तुम्हारा प्लस और जिधर जा रहा है वो माइनस। जैसे चलो ये क्वेश्चन है, दिस इज अ कॉइल एंड मैग्नेट मूव टुवर्ड इट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द कॉइल, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ओके गुड। एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड है, इफ दिस क्वाइल इज कनेक्टेड विथ कैपेसिटर एंड अ मैग्नेट एज शोन इन द फिगर मूव टुवर्ड द क्वाइल, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए एंड बी। मैग्नेट क्वाइल के तरफ आ रहा है, ये क्वाइल से एंडिंग में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, यानी वो वायर जुड़ा है बट वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट विल तो पहले करंट का डायरेक्शन एज्यूम करो, जैसे साउथ पोल आ रहा है तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल ना, साउथ पोल, यानी करंट तुम्हारा कैसा है क्लॉकवाइज, यानी अगर करंट फ्लो होता तो क्लॉकवाइज होता। अब क्लॉकवाइज है यानी बी में तुम्हारा प्लस चार्ज, ए में माइनस चार्ज, क्योंकि यहां से करंट निकल रहा है इधर जा रहा है, तो बी में पॉजिटिव चार्ज और ए में निगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है आयुष? ठीक है, तो बीच बीच में गोल हो जाता है, गोल मत हुआ कर। यस सर। क्या एक आध क्लास छूट जाएगा ना, फिर बाद में समझ में नहीं आता है। चलो देखो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वाइल कनेक्टेड विथ कैपेसिटर एंड देयर आर टू मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, सेकेंड मैग्नेट का इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। क्वेश्चन है कि हाँ सर, क्या बताया सर जगह, चलो मैं राम नाम पहुंच जाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं पहुंच फोन करूंगा। हाँ चलो देखो, तो देयर आर टू मैग्नेट, एक का नॉर्थ पोल इधर फेस कर रहा है, एक का साउथ पोल फेस कर रहा है। द क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन, बोथ आर मूविंग टुवर्ड द कॉइल, दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं।
प्रेडिक्ट द पोलैरिटी, बताओ क्या होगा, कौन सा प्लेट पॉजिटिव रहेगा, कौन सा प्लेट नेगेटिव रहेगा। नॉर्थ पोलर, हाँ बोलो सर, एक तरफ से नॉर्थ आ रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक तरफ साउथ आ रहा है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, अगर जैसे अगर एक क्वाइल ले लूं मैं, इस क्वाइल में इधर जो आदमी खड़ा है उसको ये करंट अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो पीछे वाले को कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यानी अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर से निकलेगा और इधर एंड होगा, और यहां से देखूंगा तो क्लॉकवाइज। बट पोलैरिटी तो सेम रहेगा ना, क्योंकि वही करेंट जो इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था उस साइड से क्लॉकवाइज दिख रहा है, वही हो रहा है ना? तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा होगा पॉजिटिव और बी होगा नेगेटिव। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ कि अब ये दोनों में नॉर्थ पोल कर दिया, चलो अब बताओ दोनों नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, व्हाट विल बी पोलैरिटी ऑन ए एंड बी? दिमाग लगाओ। क्या होना चाहिए? सर ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं NS, तो लाइन ऐसे मिलेगा ना? यस सर। यानी इस क्वाइल से कोई लाइन इन पास होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, तो नो करंट विल फ्लो। ओके, करंट नहीं फ्लो होगा, नो पोलैरिटी, पोलैरिटी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि करंट वाला कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब वहां उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। अब चलो देखो एक और सिचुएशन है कि ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, बट बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसे मूव कर रहे, यानी जो मैग्नेट ए है ये मूव कर रहा है अवे टू द क्वाइल एंड मैग्नेट बी मूव कर रहा है टुवर्ड द क्वाइल। क्या होगा, व्हाट इज द इंड्यूज? दोनों का, दोनों मैग्नेट का स्पीड भी सेम है, क्यों शिवांग प्रेडिक्ट करो? तो नॉर्थ और साउथ पोल है, यानी एक तुम्हारा नॉर्थ पोल और ये तुम्हारा साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा रहेगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। सपोज एन और एस के बीच अगर 100 लाइन है तो वो कहीं भी चली जाए लाइन तो 100 ही रहेगा कि नहीं? भाई अगर ये 100 लाइन है तो दोनों को एक साथ मूव कर रहा है तो हर जगह तो लाइन 100 रहेगा ना? यस सर। इसके बीच का डिस्टेंस तो फिक्स हो गया है ना, क्योंकि बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब इसके
से लिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज वगैरह हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, जितना था उतना ही है। तो देयरफॉर क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा कि नहीं? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा, तो देयर इज नो इंड्यूस करंट। ओके, कोई करंट नहीं होगा यानी पोलैरिटी कुछ नहीं होगा। चलो देखो, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एक क्वेश्चन कैसा है कि ये तुम्हारा रिजिड सपोर्ट है, इससे एक रिंग अटैच है, कंडक्टर का रिंग है। अब एक मैग्नेट को मैं इस रिंग के तरफ ला रहा हूं, तो ये जो मैग्नेट है वो, एक मिनट, गिव द डायरेक्शन इन विच इंड्यूस करेंट विल फ्लो। कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस करेंट फ्लो होगा? नॉर्थ पोल आगे मूव किया है ना, भाई ये रिंग है, ये इंसुलेटिंग थ्रेड था ना, वो इसमें थ्रेड में करंट फ्लो नहीं होगा। तो नॉर्थ पोल मूव करा रहे टुवर्ड द रिंग, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? एंटी क्लॉक वाइज। क्यों, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आरुषि, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों अनुषा? अब चलो एक और क्वेश्चन है, दिस रिंग विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और रिपल्ड। रिपल करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो गया है इस टाइप से कि ये नॉर्थ पोल बन गया है। नॉर्थ नॉर्थ में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन फोर्स। आया समझ में? स्कूल में कहां से कुत्ते आ गए? चलो सिमिलरली, चलो देखो यहां, अब ये वायर है, अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, दिस इज अ वायर कैरिंग करंट आई, आई करंट फ्लो हो रहा है, देयर इज वन रिंग नियर द वायर। तो जब ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिंग से भी जाके टकराएगा? यस सर। तो रिंग भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया कि नहीं? यस सर। तो अब जब, अब कंडीशन क्या आ गया कि रिंग इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो रिंग से लिंक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो उस रिंग में भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस रिंग इफ करंट इन द कंडक्टर ए बी इंक्रीजेस? इधर से इंक्रीज हो रहा है, चलो बताओ, ए से बी के डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट के इंक्रीज होने के कारण इसके पास जो रिंग है उस रिंग में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो, इसके क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग लगाना है कि लेंज लॉ क्या बोला था, कि करंट इंड्यूस करंट अपोजेस एवरी कॉजेस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, यानी जो इंड्यूस करंट है ना वो हर उस काज का, उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है।
तो इसमें जो भी करंट होगा वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि करंट ए से बी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, वही रीजन है कि नहीं? यस सर। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो भी करंट है वो इसके इंक्रीज होने का अपोज करेगा, यानी इसका करंट ये वाले करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज करने के लिए इसमें डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, सबको आया समझ में? चलो ये बताओ, अब यही है वायर ए बी, इसमें करंट ए टू बी डिक्रीज हो रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रिंग? सर एंटी क्लॉकवाइज। डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका करंट उसको डिक्रीज होने से रोकेगा, यानी उसके करंट को बढ़ा देगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के, तो करंट कैसा हो जाएगा? ऐसा ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो क्लॉकवाइज था ना, आया समझ में? यस सर। चलो अब ये बताओ, ये जो तुम्हारा कंडक्टर है ए बी, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। अब ये रिंग है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रिंग? कांस्टेंट करंट बोल सर, कोई नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग। ओके, करंट कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। और क्या बताया था कि करंट इंड्यूस के लिए मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएशन होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, तो देयर इज नो वेरिएशन, दैट मींस इस क्वाइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द क्वाइल। चलो ये तो समझ में आ गया, अब ये बताओ ये करंट ए बी फ्लो हो रहा है, दिस इज इंक्रीजेस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रिंग वन एंड टू? सिमिलरली हियर डिक्रीजेस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रिंग वन एंड टू? इधर से, यानी करंट फ्लो हुआ एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यस सर।
बस तू ही बोल रहा है यस सर, बाकी सब तो चुपचाप बैठे हैं। क्यों सिवान, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आयुष समझ में आ रहा है? अंजनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देयर आर टू क्वाइन, और दोनों कॉइल के बीच में एक मैग्नेट है। दिस मैग्नेट इज मूविंग, ये ए बी और ये सी डी दो कॉइल है। दिस मैग्नेट इज मूविंग फ्रॉम कॉइल ए बी टुवर्ड कॉइल सी डी। What is the direction of current in coil AB and in coil CD? Sir, AB में clockwise होगा और BA में anti-clockwise। जब ये उधर जा रहा है तो ये वाला फेस साउथ पोल बनाएगा ना, साउथ यानी ये ऐसा, तो ये इधर यानी ये करंट हो गया क्लॉक वाइज एबी में। जब वो उस तरफ जा रहा है तो ये सामने वाला फेस साउथ पोल बनाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लॉक वाइज होगा, तो इसमें भी तो करंट क्लॉक वाइज होगा क्योंकि ये दूर जा रहा है तो ये उसके दूर जाने का अप्रोच करेगा, और वो पास आ रहा है तो ये वाला फेस पास आने का अप्रोच करेगा, यानी दोनों में साउथ पोल बन रहा है। ठीक है, तो दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है दैट विल बी क्लॉक वाइज। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो सपोज दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड अ रिंग इज प्लेस्ड ऑन इट, देयर इज वन कॉइल नियर द रिंग connected with the battery and switch. When switch is on, what will be effect on ring? Switch on कर दिए, क्या होगा ring में? Current flow होगा नहीं होगा, और होगा तो किस direction में? अब वो ring frictionless surface पे है तो अगर इसके तरफ खींच जाएगा तो इससे दूर भागेगा। देखो इधर स्विच ऑन किए, करंट तो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी इधर देखो करंट कैसा है, ऐसा है क्लॉकवाइज। इस करंट के कारण ये सोलेनॉइड हो गया ना, इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे इससे लिंक होगा इसमें भी इंड्यूस करंट फ्लो होगा, साउथ पोल ही बनेगा क्योंकि रिपल करना है ना इसको, तो कॉज का अप्रोच करना है, तो करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ड्यू टू विच साउथ पोल फॉर्म एट द फेस एंड इट एज्यूम रिपल्सन फोर्स, देयरफॉर रिंग मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। समझ में आया कि नहीं आया? सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कांस्टेंट रहेगा ना? क्या रहेगा? हाँ तो कांस्टेंट रहेगा ना, देख वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, पहले तो जीरो था ना, यस सर, अब ऑन किए तो सडनली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो गया, तो रिंग तुरंत भाग नहीं जाएगा वहां से? यस सर। अगर उसको मैं फिक्स करके छोड़ दूंगा ना तब करंट फ्लो नहीं होगा, बट पहले तो जीरो था, स्विच ऑन किए तुरंत करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हुआ, इसमें भी करंट आ गया तो इसका भी साउथ पोल बन जाएगा, ये उस तरह मूव कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ऐसी ऐसी क्वेश्चन आता है इसमें।
अब ये देयर आर टू कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल है और ये सेकंड कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल के पास ये कॉइल का सेंटर है, ये एक मैग्नेट है एम एस, और ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है अलोंग देयर एक्सिस, यानी ये मैग्नेट ना ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है वहीं पर अपने एक्सिस पे। इस साइड एक दूसरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके यस सर। क्वेश्चन है विल देयर बी एनी इंड्यूज ईएमएफ एट द टर्मिनल ऑफ कॉइल इन कंडीशन ए एंड इन कंडीशन बी। ये वाले में और ये वाले में इंड्यूज ईएमएफ किस में होगा, कौन से वाले में? सर बी में होगा। बी में होगा? यस सर। देखो क्योंकि यहां पर जब वो एक्सेस पे रोटेट करेगा तो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। जब ये परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है जैसे ये नॉर्थ पोल पास आया फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे ये दूर गया फ्लक्स कम होते गया तो इंड्यूस करेंट फ्लो होगा, फिर साउथ पोल पास आ गया फिर से जैसे जैसे पास आएगा फ्लक्स मैक्सिमम होते जाएगा फिर से इंड्यूस करेंट इंक्रीज होते जाएगा, फिर साउथ पोल दूर जाएगा तो इंड्यूस करेंट डिक्रीज होते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इंड्यूस करंट बी वाले केस में फ्लो होगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी पोलैरिटी ऑन ए एंड बी, तो पोलैरिटी विल कंटिन्यूअसली चेंजेस। यानी फर्स्ट जिस केस में अगर नॉर्थ पोल पास आएगा तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, दैट मीन्स बी प्लस ए माइनस, फिर नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो b माइनस ए प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो एक और थोड़ा दिमाग लगाओ कि दिस इज अ क्वाइल, मैग्नेट के स्पीड में कैसे चेंज होगा? मैग्नेट फ्रीली फॉल हो रहा है, इधर तक फॉल हुआ और इधर से बाहर निकल गया, तो स्पीड में कैसे चेंज होगा? सर कॉइल के अंदर स्लो हो जाएगा फिर बाद में फिर से इंक्रीज होता है। देखो इधर कॉइल के अंदर स्लो कैसे होगा, देखो यहां जैसे जैसे नॉर्थ पोल पास आ रहा है इससे लिंक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है यानी जो इसमें नॉर्थ पोल जो बन रहा है इधर वो भी तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के आने का अपोज करेगा, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट डिक्रीजेस, होगा कि नहीं? यस सर। तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज होगा बट जैसे ही एंटर किया इन द कॉइल, तो बताया था ना मैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है,
यानी अब अंदर में इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो हियर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट रिमेन कांस्टेंट। आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes, sir. फिर जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? सर इंक्रीज होगा। फिर डिक्रीज होगा ना भाई, क्योंकि जब ये नॉर्थ पोल बाहर निकलेगा तो पीछे वाले में साउथ पोल बनाएगा ना, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करता है ना। Yes, sir. तो अगेन वेलोसिटी डिक्रीज है, और जब वो दूर चला जाएगा तो फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम टी। ईएमएफ और टाइम टी के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। क्या होगा देखो सिचुएशन, यहां समझो थोड़ा। ये क्वेश्चन कई बार आया है और ये नीट वगैरह में भी ग्राफ वाला आया है कि तीन चार को ग्राफ दे देगा, कौन सा ग्राफ इसमें पॉसिबल है। चलो देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये अपना मैग्नेट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फॉल होगा क्या होगा, ईएमएफ इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर, ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है, चलो ईएमएफ इंक्रीज करते जाओ। यानी कि टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ईएमएफ इंक्रीज हुआ। जब ये मैग्नेट एकदम यहां तक आ जाएगा क्वाइल के जस्ट सरफेस पे, तो ईएमएफ हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन अब एसोसिएट हो गया है क्वाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. बट जैसे ही ये मैग्नेट अब इसने इंटर करना चालू किया तो धीरे धीरे मैग्नेट का लेंथ कम हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब लेंथ कम होगा तो मैग्नेटिक लाइन भी कम होते जाएगा, तो ईएमएफ भी कम होते जाएगा। जब ये मैग्नेट एकदम से सेंटर में आ गया तो क्वाइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, यानी ईएमएफ हो गया जीरो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर कहां तक जीरो? जब ये बाहर निकलना चालू करेगा फिर से क्या होगा, इससे लिंक फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ भी इंक्रीज होने लगा। जब ये यहां तक आ गया तो फ्लक्स मैक्सिमम है, यानी एकदम सेकेंड एंड के सरफेस पे है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, निगेटिव डायरेक्शन में ईएमएफ मैक्सिमम। फिर जब ये कॉइल दूर जाएगा फिर धीरे धीरे क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ डिक्रीज होगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ? ठीक है, चलो तो इतना आज रहने दो, इसको पूरा कॉपी में नोट्स बना लेना, तब समझ में आएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनाया हो